नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। समाज में विशेष योगदान देने वाले विभूतियां जब जगह जगह सम्मानित होने लगे और उनसे प्रेरणा मिलने लगे, तो समाज का दायित्व तो है कि उनको सम्मान प्रदान करना चाहिए। सबका प्रयास रहता है कि मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें। इसलिए राष्ट्र निर्माण व समाज की प्रगति में अनवरत रूप से कार्यरत प्रतिभाओं का सम्मान करना एक सराहनीय प्रयास है। उल्लेखनीय प्रदर्शन तथा उनके समर्पण भाव को पुरस्कृत करने से अन्य प्रतिभाओं को लक्ष्य पाने के लिए प्रेरणा मिलती है। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। सर्वविदित है कि भारत अपार प्रतिभाओं से भरा धनी देश है। समाज के हर क्षेत्र में हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन्हीं विभूतियों प्रतिभाओं को सम्मानित कर समाज के समक्ष उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए मुंबई के वरिष्ठ समाज सेवी चंद्रशेखर शुक्ला ने दो ऐसी अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को सागर पार्क साइड विक्रोली में एक सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया, जिनसे हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा ले रही है। उनमें उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IPS सुल्तानपुर में तैनात ब्रजेश मिश्रा जी हैं, जो अपनी शैली से उत्तर प्रदेश की सरहदों को लांघ कर महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर प्रेरणादायी वक्तव्य दो अलग अलग संस्थानों में देने पहुंचे थे। वहीं संगीत की दुनिया में स्वर कोकिला बनकर उभरी द वॉइस इंडिया किड्स की विनर निष्ठा शर्मा को, जी हां, वरिष्ठ समाज सेवी चंद्रशेखर शुक्ला व उपस्थित लोगों ने साल उड़ाकर श्रीफल देकर फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत सत्कार सम्मान दिया। यूं तो समाज की विभूतियां और प्रतिभाएं अपना निरंतर योगदान दे रही हैं, उनका मनोबल तब और बढ़ेगा और साथ ही युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी जब समाज के लोग उनका हौसला वरिष्ठ समाज सेवी चंद्रशेखर शुक्ला जैसा बढ़ाएंगे। इस सम्मान समारोह में मुंबई के अलग अलग भागों से समाज को गढ़ने वाले समाज सेवी, राजनीतिक, व्यापारी, पत्रकारों आदि लोगों ने पहुंचकर दोनों विभूतियों के सम्मान समारोह में भाग लेकर सम्मानित किया। तो आप सबका स्नेह मुझे यहाँ खींच लाया, और ये मेरा कोई कार्यक्रम यहाँ पे नहीं था, लेकिन इतना आप लोगों ने स्नेह दिया, रिंकू भाई साहब ने और सब लोगों ने, मैं यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ और यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक कहावत है, स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान होता है, ये मैं हमेशा बच्चों को जब भाषण देता हूँ सिखाता हूँ कि जो राजा होता है अपने क्षेत्र का ही होता है। उसको वही जमे, कभी किसी जिले की SP हो जाऊँ, DM हो जाऊँ, तो मुझे उसी के अनुपर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर का कप्तान हो जाऊँ, वही जाने के। लेकिन ये लिखने पढ़ने वाला और ये मोटिवेशनल स्पीच देने वाला वही तो मुझे बम्बई तक लाया। अदरवाइज तो मैं कहीं से जिले के SP होता तो वहीं तक लोग जानते जिनका FIR दर्ज कराना पुलिस का होता है। तो इसके मैं शुक्ला जी के ऊपर भी पुराण का श्लोक कहूंगा कि वो देश वो जननी धन्य हो जाती है जहाँ ऐसे परोपकारी और दान देने वाले और करने वाले लोग जन्म लेते हैं। जननी कृतार्थ, जननी कृतार्थ हो जाती है, माता पिता कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चते नैषाम गृहे वैष्णव नाम धर्म, जहां ऐसी ज्ञानी पुरुष और वैष्णव सनातन धर्म के संरक्षक रामलीला उत्सव जैसे कंपनी को संचालित करने वाले जहाँ जन्म लेते हैं वो वसुंधरा धन्य हो जाती है। और उनका प्रताप है, देखिए सुल्तानपुर से लेकर के और बॉम्बे तक अपना औरा बनाए हुए हैं।
तो आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और मैं बस इतने कहूँगा कि भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा और वाणी समाप्त करूंगा। यदि यदा चलते श्रेष्ठ तब देवी तरो जना शायद प्रमाणम पूर्ति लोकस्थ अनुमति। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं वो जो प्रमाण अपने पीछे छोड़ते हैं आम जनता उसी का अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व करता है। जैसे पाठक जी हैं बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं अपने क्षेत्र के अपने उसके नेतृत्व करता है। पंडित जी हैं ज्ञान के क्षेत्र में आप लोग राजेश सिंह जी हैं शुक्ला जी यही हैं। तो आप लोगों का आचरण जो रहता है आम पब्लिक उसको देखती है। जैसे आप शुक्ला जी का आचरण लोग देखते हैं कहते हैं कि जो भी पीड़ित दुखी आता है क्षेत्र में जयसिंहपुर में ही नहीं बल्कि पूरे सुल्तानपुर ही नहीं बल्कि बॉम्बे में भी लोग जो भी पीड़ित दुखिया रहता है उसकी मदद करते हैं। अन्य लोग भी इससे प्रोत्साहित होते हैं। भगवद गीता का ये श्लोक मैं हमेशा इसलिए सुनाता हूँ कि हर व्यक्ति अच्छा काम करे जहाँ रहे अपने समाज के बारे में अपने क्षेत्र के बारे में अपने लोगों के बारे में सोचे उनका ध्यान दे सब आपस में एकजुट होकर के यूनिटी बना करके संगे शक्ति कलयुग उसी की सुनवाई कलयुग में होती है जो एकजुट रहता है एकता में ही शक्ति। इसलिए सब लोग एकजुट रह के आपस में काम करिए। बॉम्बे जैसी व्यापारिक नगरी में एक मिनट जहाँ इतनी भागम भाग रहती है आप लोग आके मेरा वेट कर रहे थे उसके लिए भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जब मुझे आना होगा कभी तो मैं जरूर आप लोगों के साथ समय बिताऊंगा। और क्या कहेंगे आज आईपीएस मिश्रा जी का और स्वर्णलता अगर देखा जाए तो सिंगर निष्ठा शर्मा ऐसा लगता है। आज घाटकोपर में सागर पार्क में हमारे आवास पर हमारे आमंत्रण को निवेदन को स्वीकार करके हमारे जिले के एसपी साहब ब्रजेश मिश्रा जी का आगमन हुआ और पूरी समिति ने मिलकर उनका स्वागत किया। और साथ ही साथ निष्ठा शर्मा जो वॉइस ऑफ इंडिया की भी विनर रही है और सरेगा बापा की विनर रही है कई विभूतियों से उसको नवाजा गया है। वो बालिका अपने यहाँ स्टे की है उसका रिकॉर्डिंग चल रहा था उसको भी बुला करके यहाँ पर इस मंच से सम्मानित किया गया और सारे लोगों ने उपस्थित होकर सर का सम्मान किया। मैं आभारी हूँ सारे लोगों का जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और सर ने जो व्याख्यान दिया जो हम लोगों को संदेश दिया है वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। लोगों को ऐसे विद्वान अफसर से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम लोग तो गौरवान्वित इसलिए हो रहे हैं कि हमारे सुल्तानपुर जनपद से जुड़ा हुआ। पूरे शो के दौरान सारेगामा पा जो मैंने 2023 में पार्टिसिपेट किया मुझे लगता है इस बार पूरे शहर का मुझे इतना ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा था। सब मुझे मैसेज कर रहे थे कि अब निष्ठा को देखने में लगता है कि और उनके गायकी में उनकी चीजों में एक नया निखार दिख रहा है। तो मुझे लगता है वो हर दिन अच्छा करने की जो एक डेडिकेशन होता है एक मोटिवेशन होता है वो मुझे यहाँ से मिल रहा था आप लोगों से मिल रहा था। तो अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मम्मी पापा की सीख और आप सभी के सपोर्ट को अच्छे से यूटिलाइज करूं और मुंबई में आके जैसे अंकल जी का आशीर्वाद मिल भी चुका है और मिलता रहेगा तो आप लोगों का भी अगर प्यार रहेगा तो मुंबई में रहूं और कुछ बड़ा करूं और आप लोगों को हर दिन गर्व महसूस मैं आपको देखती हूँ। और आज ही नहीं हमेशा मैं कहूँगी कि आप कभी भी मुझे बुलाना चाहेंगे कभी भी आप मेरे बारे में सोचेंगे संगीत के क्षेत्र में आप मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहेंगे तो हमेशा मैं तत्पर रहूंगी अपने संगीत के। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त के सितम कम हसीन नहीं आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गई मेरी आवाज ही पहचान है डर याद रहे खून गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा नाम गुम जाएगा
घर याद रहे, मेरी आवाज ही पहचान है। एबी न्यूज़ में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।